वेलकम बैक टू मयूरीज वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न भजिया। ये कॉर्न भजिया खाने में बहुत ही क्रिस्पी करारी होती है और इसकी बनाने की जो विधि है ये भी बहुत ही इजी है। तो आज मैं आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसकी इजी रेसिपी और ये खाने में बहुत ही चटपटे फ्रेंड्स। तो आप इसका वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए कॉर्न, जो भुट्टा होता है ना उसे हम उसका छिलका निकाल लेंगे। अभी बारिश के सीज़न में इजीली अवेलेबल है तो आप इसी का यूज़ कीजिए। जो फ्रोज़न होते हैं वो आप ना ही यूज़ कीजिए क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं भजिया। तो ये सारे निकाल लेने हैं ऐसे और अभी हमें इसे कद्दूकस कर लेना है इस तरह से, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है तो हम एक्सेस पानी नहीं डालेंगे। और देखिए इस तरह से मैं सारे जो भुट्टा है वो ऐसे कद्दूकस कर लूँगी इस तरह से। एकदम बढ़िया सी ये रेसिपी आज आप देखने वाले हैं क्योंकि बारिश का सीज़न है और भजिया तो बनता ही है। तो ये टाइप का भजिया आप ज़रूर बना के देखिए क्योंकि ये इसकी सामग्री भी इजीली अवेलेबल होती है घर में। तो देखिए कितना सारा ये जो वाटर कंटेंट है, देखिए कितना लिक्विड ही इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने 12 से 15 हरी मिर्च ली है, साथ ही अदरक और लहसुन। तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में, एक एक करके डाल देते हैं ये सारी चीज़ें। और देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है और साथ ही जाएगा इसमें जीरा। और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसका दरदरा पेस्ट बनाया, क्योंकि खाने में इसका एक एक बाइट में इसका क्रंच आना चाहिए, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया, आप देख सकते हो। और साथ ही जाएगा इसमें अजवाइन और धनिया पाउडर और साथ ही जाएगा इसमें हरा धनिया। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है, येलो येलो जो कॉर्न का हमने कद्दूकस किया था ये, और सारी चीज़ें परफेक्टली आ रही है। और साथ ही जाएगा इसमें स्वादानुसार नमक। वाओ ब्यूटीफुल लग रहा है ना कलर एकदम। और साथ ही जाएगा इसमें बेसन। तो बेसन यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 कटोरी डाल दी है क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक चम्मच डालना है हमें। मतलब जितना इसमें जाएगा, लाइक जितना आपका जो कॉर्न है वो जितना वाटरी होगा, जितना उसका पानी निकलेगा ना उस हिसाब से आप डाल सकते हो, ताकि जो हम नॉर्मल भजिया का टेक्सचर होता है ना उस तरह से इसका बैटर बन जाना चाहिए। देखिए इस तरह से, मतलब डालते समय ऐसा। और हाँ इसमें डालेंगे हम तेल का मोहन, ये थोड़ा सा गर्म कर लेना है तेल और 2 चम्मच तेल डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पून से, क्योंकि ये गर्म होता है ना इसलिए। अब साइड में मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम हाथ से ही डालना है। देखिए इस तरह से आराम से डालना है। वाओ मतलब देखने से एकदम मन बन जाता है खाने का। देखिए कितना प्यारा कलर आया इसका। बाहर बारिश होती है और घर में हम गर्मा गर्म ये भजिया बनाकर खाते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, एकदम परफेक्ट। तो ये रेसिपी आप पूरी देखिए और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी अल्टीमेट है ना ये खाने में भजिया। मतलब इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है ना बाहर से और अंदर से एकदम परफेक्ट। मतलब ऐसे लगता ना एक एक बाइट में हर एक मसाला जो हमने इसमें डाला है इसका टेस्ट आ जाता है। देखिए आप इसको केचप के साथ या किसी भी चीज़ के साथ शेयर कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है अंदर से, एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी भी है। और आपने अगर ये रेसिपी पूरी देखी होगी तो इसका ट्राई करना तो बनता है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।